हमारे साथ जीशान ख्वाजा मौजूद हैं जिन्होंने 2020 में वाईएलसी अटेंड की थी। जीशान मुझे सबसे पहले तो ये बताइए 2020 के बाद कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। सबसे पहले 2020 के बाद शायद मैं एक बहुत जुनूनी ओवर कॉन्फिडेंट एक बच्चा था जो हमेशा जहाँ कहीं भी जाता तो कोई पंगा कर देता था। अच्छा, उसके बाद हम वो वाईएलसी के दौरान भी ऐसे मैं काफ़ी हरकतें, तो जो सबसे मैंने मेन चेंज देखा अपने अंदर फील किया वो ये था कि हमारे जो मदर बोर्ड्स हैं उनके अंदर ये बात स्टोर है कि जो दूसरा मज़हब है ये बिल्कुल गलत है, इनकी जितनी भी तालीमात हैं वो जिस तरह की भी हैं तो मैं क्या हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। तो वाईएलसी जहाँ पे 205 लोग आते हैं सिटी से, इतने ज़्यादा लोग गैदरिंग होती है तो, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होते हैं, मुख्तलिफ तबके फ़िक्र के होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के होते हैं, तो वहाँ पे एक इस ये डाइवर्स इन्वायरमेंट में हमें ये फील होता है कि जितनी रिस्पेक्ट मेरे कल्चर की है, मेरे मज़हब की है, जितना मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ अपनी तालीमात के मुताबिक, तो इतना दूसरा शख्स भी बेहतर है। तो ये ब्यूटीफुल। सेकंडली जो मैंने देखा कि हमारे माशरे के अंदर इस टाइम जो है अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रही है, हम किसी दूसरे का जो ओपिनियन है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। द थिंग आई लर्न फ्रॉम माई मेंटर शिपा कि डिफरेंट इज इक्वल टू डिफरेंट, डिफरेंट इज नॉट इक्वल टू रॉन्ग। आपका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है। जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये थी कि जो सामने वाला है, ये जो मेरा आपको हाथ नज़र आ रहा है ये आपके लिए सीधा है लेकिन मुझे उल्टा नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये आपके सोचने का जाविया है कि आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। आप समाज के अंदर इतनी कहीं पे गंद है या मुख्तलिफ स्टीरियोटाइपिक टिपिकल आइडियाज़ हैं, वहाँ से पॉजिटिविटी कैसे आप निकालते हैं। दिस वॉज अ थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम द वाईएलसी एंड इन दिस इन माई डेली लाइफ आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस। ठीक, बहुत ज़बरदस्त। और आपकी इस बात को जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की एक रिच कल्चर है, हिस्ट्री है कि जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब ज़ुबानें मुख्तलिफ तबकात हैं लेकिन ये सब मिलकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाते हैं। और मैं इसको यूँ कहता हूँ कि ये कम्युनिटी से ह्यूमैनिटी का सफ़र है, यानी हम पाकिस्तानी दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ ज़ुबानें कल्चर सब कुछ होने के बावजूद एक पाकिस्तानियत की अपनाइत का जो जज्बा है ये हमेशा रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने जैसे ये बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे, लीडरशिप आम जो कॉन्सेप्ट है या माइंडसेट है कि लीडर्स जो सियासतदान हैं या मजहबी रहनुमा हैं, तो एक नौजवान जो हमें देख रहा है इस वक्त सुन रहा है वो किस कैपेसिटी में लीडर है और कैसे वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को? जी, लीडरशिप ये तो हमारे माशरे ने कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर लिए, हम पॉलिटिक्स को लीडर्स कहते हैं। हर वो बंदा मेरे ख्याल में लीडर है कि जो किसी समाज के अंदर अपने माशरे के अंदर कुछ अपनी खिदमात दे रहा है, हर वो बंदा लीडर है, किसी भी ग्रुप को वो लीड कर रहा है। मैं आपको एक वाकया कोट करता हूँ। जब वो मैं वाईएलसी गया था तो मैंने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया था, मैंने ये झूठ बोला था कि मैं यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस है, और मैंने ये भी नहीं अपने घर वालों को बताया था कि जो मैं पैसे इस पर स्पेंड हो रहे हैं ये 80,000 का पैकेज है, ये मैंने कहाँ से लाई और ये कैसे, मैंने कहा ये फुली फंडेड है, इसमें कोई है बेसिकली मैं कश्मीर का रेजिडेंशियल हूँ तो मैं कश्मीर से। अब जो आपने कहा कम्युनिटी, घर वाले मुझे ये समझते थे कि वो हमेशा से एलिगेशन आते थे कि ये पॉलिटिक्स में है, ये इसको ये फिर रहे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे। तो एक जब वाईएलसी करके मेरे अंदर इतनी वो जो आग थी वो मज़ीद उसने इग्निशन लिया, तो जब मैं सब यहाँ से यूनिवर्सिटी से मैं अपने घर गया कश्मीर, 2 से 3 दिन का सफ़र तय करके वहाँ पे मैंने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट किया, और जब मैंने एक कम्युनिटी को सर्व किया वो लोग आए मेरी, मैं खुद एक मतलब एक ऑर्फन रहूँ काफ़ी बचपन से ही, हम एक पे कयामत टूट पड़ी, लेकिन जब मैं उन बुलाता था उन लोगों को तो मेरी अपनी आँखों में आंसू आ जाते थे कि ये देखें मतलब समाज हमारा कितना पीछे है और हम किन अयाशों में फिरें। और द डे कि आई कम बैक, जिस दिन मैं घर आया तो मुझे फील हुआ कि यार आज मैंने कोई अच्छा काम किया है, और सोसाइटी के अंदर भी एक रियलाइजेशन हुई, मेरे ख़ानदान ने भी फिर उनको एक मानना हो गया कि ये जो है ये अच्छा काम कर रहा है। तो ये जो आपने कहा कि इन वहाँ से लीडरशिप से फिर आप कम्युनिटी का सफ़र, ये मेरा एक सफ़र था और इस सफ़र को मेरा ज़िंदगी का एक मकसद बन चुका है कि सबसे पहले जो है इंसानियत सबसे पहले है, उसके बाद आप किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद आपकी ज़बान है आपकी, आपका कोई तबका फ़िक्र है, आप
के सोचने का। सबसे पहले आपकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो ह्यूमैनिटी है, और अपनी अगली ज़िंदगी का हमारा मिशन ही यही है कि हैं वही लोग अच्छे जो काम आते हैं दूसरों के। तो यही अब अगली जो अल्लाह ने अगर ज़िंदगी के जो दिन हुए तो वो इसी की खातिर लड़ते रहें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।